सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. हम लोग कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं सेल्फ का, तो उसके अंदर हमारा तीसरा है कंसेप्ट. जैसे हमने सेल्फ कंसेप्ट पढ़ लिया, सेल्फ एस्टीम पढ़ लिया दूसरा, अब हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ एफिकेसी के बारे में. ध्यान से सुनना, सेल्फ एस्टीम से एक ऐसे अलग होता है, आपने वो देखा ना कि जिन लोगों के माँ बाप अननेसेसरी इंटरफेरेंस करते हैं या फिर उनके लिए डिसीजंस बनाते हैं तो उनका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है. सेल्फ एस्टीम में बस आपको वैरायटी ऑफ स्टेटमेंट दी जाती है जिसको आपको ट्रू और फॉल्स बताना होता है, मतलब येस और नो बताना होता है. तो ये दिखाता है कि आपका उस चीज़ को लेकर, अपने आप को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है ना. तो सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, देखो लोग ना, इंसान एक दूसरे से बिल्कुल डिफर करता है किस एक्सटेंट में, कि जिसमें वो ये माने कि उनकी लाइफ के आउटकम्स कैसे कंट्रोल करे जाते हैं. मतलब कहने का मतलब ये है, दो प्रकार के इंसान होते हैं इस पृथ्वी पर. एक जो ये मानते हैं उनकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी के जितने भी आउटकम हो रहे हैं वो या तो लक और फेट की वजह से कंट्रोल हो रहे हैं. दूसरे प्रकार के वो इंसान होते हैं जो ये मानते हैं कि नहीं यार, लाइफ में जो भी आउटकम्स हैं मैं उनके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, और लाइफ में आज जो मैं बीज बोऊंगा, कल को जो उसका पेड़ बनेगा, तो ये मेरे कर्मों द्वारा अनुसार है. यानी कि आई बिलीव डैट माई डेस्टिनी इज शेप्ड बाय मी. और दूसरे कैटेगरी के वो पर्सन्स होते हैं दोज़ हू बिलीव डैट उनकी डेस्टिनी जो होती है दैट इज शेप्ड बाय लक, फेट और सिचुएशनल फैक्टर्स. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो लोग ये मानते हैं कि उनके पास ऐसी एबिलिटी है या उनका बिहेवियर इस प्रकार का है कि वो किसी भी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर समक्ष और कशिश हाई सेल्फ एफिकेसी होती है. समझ में आ गया कशिश, सेल्फ एफिकेसी का मतलब समक्ष. अगर आप ये मानते हो जिंदगी आपकी आपके अनुसार ही कंट्रोल होती है ना कि किसी लक और सिचुएशन की वजह से, तो ये चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पर ज़िंदगी को आप रंगीन भी खुद ही बनाते हो और उसकी झंड भी खुद ही मारते हो. अगर आप ये मानते हो कि है ना ज़िंदगी की झंडो रखी है, हो नहीं रखी है, आप खुद ने, अगर आपने खुद ने मारी और अगर आप उसको ठीक करने के लिए कुछ करते हो, प्रयास करते हो, तो सब कुछ अगर आपके हाथ में, अगर आप ये मानते हो, देन यू आर हाई ऑन सेल्फ एफिकेसी. अगर आप ज़िंदगी भर हर चीज़ को लक, ऐसा होता है लक की वजह से ऐसा होता है, शायद से मेरी किस्मत में नहीं है, देन यू डोंट हैव हाई सेल्फ एफिकेसी. ठीक है, और बात करते हैं सेल्फ एफिकेसी के बारे में. सेल्फ एफिकेसी का कंसेप्ट आया कैसे. 11th क्लास में तुम लोगों ने एल्बर्ट बंदूरा का नाम सुना था ना, उसका सोशल लर्निंग थ्योरी याद आया, चिंपैंजी वाली स्टडी याद है ना. तो एल्बर्ट बंदूरा की जो स्टडी है वो ये शो करती है कि बच्चे और जो एडल्ट होते हैं उनका बिहेवियर ज़्यादातर लर्न्ड बिहेवियर होता है. याद है ना, लर्निंग. जैसे एक वो था जॉन पियाजे, है ना, उसने कबूतरों को टेबल टेनिस खेलना सिखाया था, और डॉग के ऊपर स्टडी कर रखी थी, है ना. ऐसे अपने अलग अलग तरह की रेड्स वाली स्टडी कर रखी थी. तो एक कंडीशनिंग की थ्योरी थी ना, है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना, और सोशल लर्निंग. तो एल्बर्ट बंदूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर ये बेस्ड है सेल्फ एफिकेसी का कंसेप्ट. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. अब देखो, लोगों की अगर एक्सपेक्टेशंस ये है अपने आप से कि किसी भी स्किल में वो मास्टरी अटेन कर सकते हैं या फिर वो लाइफ में कोई भी चीज़ अटेन कर सकते हैं अपने बलबूते पर, उनकी खुद की इफ़ेक्टिवनेस के बेसिस पर, तो वैरायटी ऑफ बिहेवियर जो ऐसा पर्सन शो करता है कि भैया मेरी लाइफ के आउटकम मेरे द्वारा कंट्रोल होते हैं, मेरी मास्टरी, मेरी अचीवमेंट, मेरी स्किल, मैंने इसको शार्प करा है, देन ऐसे लोग सेल्फ एफिकेसी में अच्छे खासे माहिर होते हैं. लेकिन ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये वाला पॉइंट देखो अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ. अगर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी है तो वो आपकी कैसे मदद कर सकती है. अगर आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, देन आप अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ के सरकमस्टांसिस को, इवेंट्स को खुद सिलेक्ट कर सकते हो, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इवन अपनी ज़िंदगी के रास्ते और तौर तरीके बना सकते हो, यानी कि कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में सरकमस्टांसिस. जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा डरते भी नहीं है, दे फील लेस फियरफुल. बिकॉज हिंदी में एक मुहावरा आपने सुना होगा ना, सांच को आँच क्या, सच्चे को डरने की आवश्यकता क्या. आपको चीज़ बुरी लगे चाहे सही लगे, आपको बटरिंग नहीं करी जाती ऐसे लोगों के द्वारा. आँखों में आँखें डाल के बोलकर वो चीज़ बोल देते हैं, फिर चाहे तुम मेरी ज़िंदगी में रहो चाहे ना रहो, मुझे घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पर
डरते नहीं है ये लोग किसी भी सिचुएशन से, मतलब बोलने से कि पुचकारते नहीं आराम आराम से, ठीक है। अब ये सवाल ही उठता है, अगर कशिश सेल्फ एफिकेसी के साथ बॉर्न नहीं हुई है, समक्ष आप हुए हो, तो क्या कशिश सेल्फ एफिकेसी डेवलप कर सकती है? जी हाँ, सेल्फ एफिकेसी डेवलप करी जा सकती है। इसको याद करने का तरीका क्या है, आप मतलब अगर पेपर में आ गया तो कैसे याद रखोगे? क्योंकि कशिश सिर्फ इतनी बात याद रखना कि सेल्फ एफिकेसी एल्बर्ट बंदूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। अब जहाँ पर अगर ये वर्ड आ गया सोशल लर्निंग, इसका मतलब लर्निंग तो वही चीज़ होती है ना जो लर्न करी जा सकती है, खराब चीज़ को अनलर्न करके सही चीज़ लर्न करी जा सकती है। सेल्फ एफिकेसी इसका मतलब नीचे देखो डेवलप करी जा सकती है। जिन लोगों के अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी होती है, ये देखा गया है उनके अंदर कि ऐसे लोग ना सिगरेट पीना छोड़ देते हैं। देखो लिखा हुआ है दे स्टॉप स्मोकिंग द मोमेंट दे डिसाइड टू डू सो, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, एक बार अगर उन्होंने किसी चीज़ की ठान ली तो वो करके ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कशिश, मतलब मान लो कोई लड़की है, उसको रोज़ मतलब एक पर्सन है जो कि उसकी केयर करता है, रोज़ उसको समझा रहा है कि भाई पढ़ लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मत टाइम वेस्ट करो, फालतू लोगों को मत अपनी लाइफ में वो दो। लेकिन जब तक उसके अंदर से आवाज़ नहीं है ना, तो इसका मतलब उसके अंदर से आवाज़ मतलब सेल्फ एफिकेसी नहीं है, तब तक वो नहीं पढ़ पाएगी, है ना। लेकिन अगर उसने एक बार ठान ली, फिर वो 2:30-3 बजे तक रात को जाकर पढ़ रही है, सुबह स्कूल भी जा रही है, तो समझ रहे हो ना कि सेल्फ एफिकेसी डेवलप हो सकती है। और मतलब सपोर्ट अगर किसी अच्छे लोगों को रहे तो सेल्फ एफिकेसी डेवलप हो जाती है लाइफ में। सेल्फ एफिकेसी डेवलप कैसे हो सकती है? हमारा समाज, हमारे माँ बाप और हमारे खुद के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हेल्प कर सकते हैं हमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी डेवलप करने में। समाज और माँ बाप की बातों तुम लोग मानते नहीं हो, है ना, तुम लोग तो वही करते जो करना है। लेकिन अगर आपके खुद के पॉजिटिव एक्सपीरियंस अगर आपको फील हो गया है कि आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको पढ़ाई में मन लग सकता है। यह ऐसा भी हो सकता है ना समझ कशिश, कि अब आपको ये लग गया कि यार मतलब कुदरत से जूता खाते खाते सबसे मतलब यू नो रिजेक्ट होते होते कुछ यार अपनी इंडिविजुअलिटी पे ही फोकस कर लिया जाए, है ना। अगर उस चीज़ में आप गोल ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो तो उसका मतलब आपकी सेल्फ एफिकेसी डेवलप हो रही है। इसका मतलब सेल्फ एफिकेसी तब डेवलप होती है अगर आप कोई काम करने लग जाओ, आपको उसके बेसिस पर पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, फिर आप सारे लोगों का फोकस हटाकर सिर्फ अपने आप पे फोकस करने लग जाते हो। तुम जैसे लोग गलती क्या करते हो, 90% फोकस दूसरों पे, फिर 10% तो फोकस करने का तुम्हें टाइम मिला ही नहीं, उनके एक्सपीरियंसेस ही घूमते जा रहे हैं दिमाग के अंदर, ये चीज़ है, ठीक है। और सेल्फ एफिकेसी कैसे मतलब दी जा सकती है, ये जो तीनों लोग हैं पेरेंट्स टीचर्स और हमारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, ये बचपन से ही अगर बच्चों को पॉजिटिव मॉडल्स दिए जाए ना इस प्रकार के, अगर मतलब पेरेंट्स अच्छे से मतलब समझाएं उनको, सोसाइटी जिस सोसाइटी परिवेश में उनके दोस्त और स्कूल मतलब एनवायरनमेंट है वो अच्छे से उनको मिले, और बचपन से ही ऐसे बच्चों को पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिले। पॉजिटिव एक्सपीरियंस मतलब कैसे, घर में कोई कलेश ना हो, कोई माहौल हो जिसके अंदर स्किल्स की बात करी जा सकती हो, पेरेंट्स से फ्रीली डिस्कस कर सको, तो बच्चों के फॉर्मेटिव ईयर्स में सेल्फ एफिकेसी डेवलप करी जा सकती है, ठीक है। अब जैसे तुम लोग हो या कोई भी है, मतलब तुम लोग इन द सेंस तुम्हारी एज की बात कर रहा हूँ, तो हम दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जो सुन रहा है इसको, सेल्फ एफिकेसी में ये चीज़ होती है कि देखो अब आप लोगों को रियलाइजमेंट है कि भैया तुम लोग कोई नालायक या फिर मतलब कम बुद्धि वाले लोग थोड़ी ना हो, है ना। क्यों कशिश, ऐसा है क्या? पर्सन खाना खा लेता है, वॉशरूम हो जाता है, उल्टी सीधी चीज़ों के लिए उसका दिमाग इतना चल लेता है, वो फ़ोन चला लेता है, 10 तरह की ऐप्स हैं उसके पास, ठीक है, 10 तरह के कांड करने की अकल है, लेकिन फिर भी इसका मतलब दिमाग तो कम नहीं है, है ना। पॉइंट क्या है यहाँ पर, किसी चीज़ों में मन लगना या फिर ना लगना, या फिर अंदर एक हीट जैसे होती है कि तुम लोग सोचते तो बहुत हो कि भैया हमें पढ़ना है या फिर ये वाला काम करना है या फिर कुछ भी करना है। बर्थडे किसी का आ रहा हो तो भाई इंसान कशिश पार्लर जाना नहीं भूलता, लेकिन पेपर अगर आ रहा हो तो उसी टाइम पर फिर पढ़ना एंड में ही स्टार्ट होता है ना। ये क्यों होता है? सेल्फ एफिकेसी, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, मतलब नो टॉन्ट्स, तो किसी की गलती नहीं है इसके अंदर, गलती ये है कि बचपन से तुम लोगों को ये तीन चीज़ें या किसी को भी तीन चीज़ें करेक्ट वे में नहीं मिलती हैं। राइट सोसाइटी, राइट पेरेंट्स, राइट पेरेंट्स क्या अभी बताता हूँ और राइट पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, राइट पेरेंट्स मतलब जिनके साथ तुम डिस्कस कर सको, सोसाइटी जिसमें तुम्हारे तुमको प्रेज करा जाता हो, जिसमें तुम फ्रीली अपने फीलिंग्स को एनहेंस कर सको, और तुम्हारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस, मतलब पॉजिटिव एक्सपीरियंस होते भी हैं लेकिन क्या होता है कशिश, कि किसी किसी आंखों पे पर्दा लगा होता है किसी पे, कि वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस को देखते नहीं, उसे नेगेटिव बातें करता रहता है इंसान, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमें सेल्फ एफिकेसी की राह में रोकती हैं, ठीक है। इन सबको लेकिन डेवलप करा जा सकता है, यूटर्न लिया जा सकता है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन,
सेल्फ रेगुलेशन एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. काफ़ी लोग अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते, उनको करना तो दिन भर बहुत कुछ है लेकिन दिन उनका ऐसे ऐसे करके गायब हो जाता है, फिर वो गिल्ट में सोते हैं. कुछ लोग गिल्ट मिटा मिटा के सोते हैं लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग गिल्ट में सोते हैं. ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन हमारी एक एबिलिटी होती है कि किस प्रकार से हम अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज और मॉनिटर कर सकते हैं. अब देखो, पीपल हु आर एबल टू चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सिचुएशनिज्म का कंसेप्ट याद है चैप्टर वन में? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आप अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हो, इसका मतलब आप सेल्फ मॉनिटरिंग में हाई हो. क्यों? क्योंकि सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब यही है, आप ना एडजस्टमेंट लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, आप आराम से एडजस्ट हर जगह कर सकते हो. अभी आप दिल्ली में हो, पंजाब में, या फिर ग्वालियर में आपकी कहीं शादी आ रही है रिश्तेदारों की, आपको जाना है यूपी में या कहीं पर भी, आपको वो फैसिलिटी नहीं है जो आपके घर में है, लेकिन कोई बात नहीं यार, आपको पता है यू कैन एडजस्ट. अब चिड़चिड़े हो रहे हो वहाँ पे, यार मच्छर काट रहे हैं, इट इज़ सो डर्टी हेयर, ठीक है, मिट्टी उड़ रही है, और क्या कहते हैं, सोने की कोई बंदोबस्त नहीं बन पा रहा है. अगर आप हमेशा कंप्लेनिंग मोड पे रहते हो, इसका मतलब आप सेल्फ एडजस्टिंग पर्सनैलिटी नहीं हो. सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है? आप पहले अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाओ तो आसपास का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली आपके लिए कुदरत एडजस्ट कर जाएगी. ठीक है, बड़ी सारी हमारी लाइफ की जो सिचुएशंस होती हैं वो हमें ये मतलब सिचुएशंस की डिमांड बड़ी सारी हमारी लाइफ में कभी कभार ये होती है, ध्यान से सुनना, कि हम लोग सिचुएशन से जो पैदा हुआ प्रेशर होता है उसको अवॉइड करें, उसको रेजिस्ट करें और अपने ऊपर उस टाइम पे ऊपर कंट्रोल रखें. जैसे आप कशिश, आपके दांत मिसमिसा रहे हैं, जैसे मतलब मान लो कि किसी को मारने का, मुक्का मारने का मतलब मन कर रहा है ना, या फिर किसी पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब आप गुस्सा निकाल के करोगे क्या? सिचुएशनल प्रेशर है आपके ऊपर. अपने ऊपर अगर आप कंट्रोल रखते हो ना, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? ये कंट्रोल कब रख पाओगे? अगर आपके अंदर एक पावर है जिसको हम लोग कहते हैं विल पावर. ठीक है, एज ह्यूमन बी, अच्छा विल पावर की डेफिनेशन भी यही होती है, रेजिस्टिंग द सिचुएशनल प्रेशर, मतलब सिचुएशनल प्रेशर को अवॉइड करना और अपने आप को कंट्रोल करना, उसको विल पावर कहते हैं. जैसे विल पावर मतलब एक तरीके से आपका टेस्ट लिया जाता है कि आपके अंदर ये क्षमता है कि नहीं है, कि सिचुएशनल प्रेशर को अवॉइड करके आपका अपने आप संयम है कि नहीं है. बहुत सारी चीज़ों में आप सिचुएशन में बावले तो नहीं हो जाते, बहक तो नहीं जाते, क्या आपको अपने बात अपने ऊपर मतलब कंट्रोल है थोड़ा बहुत कि नहीं है? ये विल पावर होता है. एज ह्यूमन बींग्स वी कैन कंट्रोल अवर बिहेवियर द वे वी वॉन्ट, मतलब इंसानों की तरह हम लोग अपना बिहेवियर जैसे चाहें वैसे कंट्रोल कर लेते हैं. ठीक है, अब अगर कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल होता कहाँ है? कशिश ने बोला भाई मैं डाइट करूँगी, सामने आ गए मोमोज, ठीक है यार दो ही खा लेती हूँ, उससे क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना. ठीक है, तो वी ऑफन डिसाइड टू डिले और डेफर द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स. कभी कभार हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अपनी जो इमीडिएट नीड्स की सेटिस्फेक्शन है उसको डिले और डेफर कर दें. ठीक है, अब सेटिस्फेक्शन को हम लोग साइकोलॉजी में ग्रेटिफिकेशन भी कहते हैं, अगर आपने ये वर्ड सुना हो तो. ठीक है, आपने ठान रखा है कशिश कि आपको डाइट करना है, फिर अगर मोमो सामने आ गए तो आप कहोगे नहीं यार, जब तक यार मेरा वजन कम नहीं हो जाता है जितना मैंने सोचा है, मैं फेयरवेल तक मतलब पतली ना हो जाऊँ या सुंदर ना दिखने लगूँ, तब तक यार मैं मोमोज को या किसी भी जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाना है मैंने. ठीक है, तो यू ऑफन डिसाइड टू डिले और डिफर द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स. अगर आप जिस दिन ये सीख जाते हो कि आप अपनी इमीडिएट नीड्स को डिले कर सको और डिफर कर सको, नीड्स की ग्रेटिफिकेशन को, ग्रेटिफिकेशन का मतलब ही सेटिस्फेक्शन होता है, तब जाके आपके अंदर एक टेंडेंसी जन्म लेती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल. तो देख रहे हो हम लोग टॉपिक क्या कर रहे हैं, पांचवा पॉइंट कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट सेल्फ रेगुलेशन, लेकिन इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, एक एक ऊपर डेफिनेशन बन सकती है. नंबर वन, सेल्फ मॉनिटरिंग के ऊपर मतलब आपको क्वेश्चन बन सकता है, विल पावर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और सेल्फ कंट्रोल के ऊपर पूछी जा सकती है. ठीक है, सेल्फ कंट्रोल ना आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाता है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफिल करने में सेल्फ कंट्रोल बहुत आपकी मदद करता है. ठीक है, इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन में जैसे ये माना जाता है कि अगर आपको अपनी इंद्रियों को एक्टिवेट करना है और अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है तो आप रोज़मर्रा टेस्टी टेस्टी फूड खाते रहो. आप ना मतलब एक तरीके से अपने आप को पहचानने की क्षमता आपकी ख़त्म हो जाएगी. तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो व्रत और रोज़ा का कंसेप्ट होता है, व्रत हिंदुओं में और रोज़ा मुसलमानों में. और कभी कभार कई लोग जैसे साधु संत और महात्मा होते हैं तो दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ नॉन अटैचमेंट विद द वर्ल्डली प्लेजर, कि आप अटैच मत रहो किसी चीज़ से, बिकॉज जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था
कशिश समक्ष, अटैचमेंट विल ऑलवेज लीड टू सफरिंग। अगर आप किसी भी चीज़ से, जानवर से, इंसान से अगर आप अटैच हो, तो अटैचमेंट की वजह से सफरिंग तो आएगी, क्योंकि एक ना एक टाइम पे कोई ना कोई चीज़ दूर होती है आपसे, तो इट विल लीड टू सफरिंग। और ये सब चीज़ें कैसे डेवलप हो सकती हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म अपने गोल फुलफिल कर रहे हैं, आप अपने ऊपर संयम रखो, आप अपना सेल्फ कंट्रोल डेवलप करके रखो। अब सेल्फ कंट्रोल डेवलप कैसे होता है, सवाल ये उठता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है सेल्फ कंट्रोल रखो, इतना ज़्यादा खर्चीले मत बनो, बहुत ज़्यादा लालची मत बनो। सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने बड़ी सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स सजेस्ट करी हुई हैं। तीन टेक्निक हैं, अलग से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल एंड व्हाट आर द टेक्निक्स टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल। नंबर वन, ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर। आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, आपका बिहेवियर कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या दिन आप अपने अकॉर्डिंग गुजार रहे हो। जो चीज़ आपने अपने आप से प्रॉमिस करा था, आज मेरे को ये नहीं खाना है, आज मेरे को ये नहीं पीना है, आज मुझको यहाँ नहीं जाना है, क्या आप उनको सिर्फ सामने वाला बुरा मान जाएगा इस वजह से कि आप अपने रूटीन तोड़ने को तैयार हो, क्या आप अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, क्या आप जो एक महीने से जिम जा रहे हो तो आप क्या एक ही दिन में, मतलब बहुत ज़्यादा आपने शादी के अंदर किसी शादी या फंक्शन के अंदर खाना खा लिया और एक प्लेट छोले भटूरे खा लिए, क्या आप ये तैयार हो अपने मतलब एक महीने की जिम को सेक्रीफाइस करके, अपने सिर्फ टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब करके। आप पूजा पाठ वगैरह वो करते हो, आपने अपने आप से कसम खाई, जैसे कशिश मतलब मान लो फॉर एग्जांपल एक लड़की कह रही कि मतलब मैंने बहुत सोचा कि बर्थडे के बाद मतलब इस डेट के बाद मैंने नॉनवेज खाना छोड़ देना है, लेकिन उसके बाद मतलब वो फिर भी मतलब उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर पर्सन के अंदर क्या दिख रहा है कि दैट पर्सन हैज़ नॉट ऑब्जर्व्ड हिज और हर ओन बिहेवियर, ठीक है। और फिर आप ये देखो कि नेसेसरी कहाँ कहाँ चेंजेस आपको करने हैं, आप अपने आप को इन्फॉर्मेशन दो, मतलब इन्फॉर्मेशन को जानो, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करो और अपने सेल्फ के कंसेप्ट को इन्हेंस करो। तो सबसे पहला होता है कि सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आपको कोई कुछ नहीं समझा सकता, आप अपने सबसे बढ़िया लॉयल पार्टनर आप अपने खुद के हो। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो आप किसी और से प्यार भी नहीं कर सकते। आप अपने आप को झूठ बोलते हो तो आप दूसरों को भी सच नहीं बोल सकते। खुद से गद्दारी कर रहे हो तो दूसरों के तो कभी मतलब अच्छे पार्टनर बन ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा है सेल्फ इंस्ट्रक्शन, आप अपने आप को इंस्ट्रक्शन दो, ठीक है। सेल्फ इंस्ट्रक्शन एक दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हम लोग अक्सर अपने आप को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे हमें क्या चीज़ करना है, कैसे हमें एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है, क्या हमें चाहिए। सेल्फ इंस्ट्रक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेल्फ रेगुलेशन के लिए। मतलब आपको अपने आप को इशारे देने हैं कि ये चीज़ आप इतने टाइम पर करोगे, ये चीज़ आप इतने टाइम पर करोगे। यू शुड बी रूटीनली इन एवरीथिंग। ज़िंदगी कहाँ जा रही है, दिन कहाँ जा रहा है, वक्त कहाँ जा रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तीसरा है सेल्फ रीइन्फोर्समेंट। सेल्फ रीइन्फोर्समेंट, व्हाट इज सेल्फ रीइन्फोर्समेंट, इसमें क्या होता है, आप अपने अगर बिहेवियर आपका आपके अकॉर्डिंग होता है और आपने उसको अचीव कर लिया, और अगर आपने ये बोला था कि मैं तब तक मूवी देखने नहीं जाऊंगी जब तक मेरे पेपर में अच्छे नंबर ना आ जाएं, और पेपर में अच्छे नंबर आ गए, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड देते हो यहाँ पर कि मतलब कोई भी प्लेजेंट चीज़ आप तभी करोगे, प्लेजरेबल चीज़ आप तभी करोगे जब आपने अपने आप से करा हुआ प्रॉमिस निभा दिया। फॉर एग्जाम्पल आप एक मूवी देखना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप ये बोलो कि एग्ज़ाम में मेरे अगर अच्छे मार्क्स आ जाएँ, इफ़ आई पास एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, आई विल गो एंड वॉच आउट द मूवी। ये जो टेक्निक्स हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर, सेल्फ इंस्ट्रक्शन और सेल्फ इन्फोर्समेंट, इसकी वजह से हमारा सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल का कंसेप्ट इनहेंस होता है। कल्चर इन द सेल्फ, ठीक है, बड़े सारे एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे सेल्फ के, वो हमारे कल्चर के साथ लिंक होते हैं और कल्चर जुड़ा होता है एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी से। हम अपने जो भी सेल्फ को डेवलप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, इंडिया में जितने भी लोगों का सेल्फ का जो कंसेप्ट है वो इंडियन कल्चरल कंटेक्स्ट में डेवलप हुआ है। एग्री करते हो ना सब लोग, है कशिश समक्ष, अगर जैसे आप बिहेव करते हो या फिर मतलब कुछ भी, मतलब आपकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे कॉम्पोनेंट हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग है ना। आप वेस्टर्न ज़िंदगी तो नहीं जी रहे कि वेस्टर्न के अकॉर्डिंग आपके घर पे सारा माहौल चल रहा है, वो चल रहा है ना, तो आपको बहुत सारे मतलब इंडिया के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, मतलब सॉरी रहना चाहिए नहीं चाहिए मतलब ये नहीं, सेल्फ आपका इंडिया के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न का जो कल्चरल कंटेक्स्ट है वो अलग रहता है। तो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोग पैदा होते हैं उनका सेल्फ का कंसेप्ट अलग रहता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये होती है इंडियन और वेस्टर्न व्यूज़ में, ये होता है यहाँ पर बाउंड्री सेल्फ और अदर्स के बीच में कैसी है उसको देखना,
अब इस बाउंड्री को देखने का यहाँ पर क्या तरीका है, सिर्फ आप इस डायग्राम को देख लो, ऑटोमेटिकली टॉपिक कवर हो जाएगा। ये देखो, ये है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, देखो एक बार इसे, ये है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, समक्ष यहाँ पर देखो, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। ये एक पर्सन है, मान लेते हैं ये यूएसए का कल्चर है और ये हमारा है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी कल्चर। यहाँ पर इंडिविजुअल और ग्रुप, ग्रुप मतलब कैसे, फैमिली मान लेते हैं इसको हम लोग, सबसे परफेक्ट एग्जांपल, ये फैमिली और ये एक इंडिविजुअल खुद। ये पता है डायग्राम क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे इस पर्सन की एज बढ़ती चली जाएगी ना, ये अपनी ग्रुप से दूर होता चला जाता है। आपको पता ना वेस्टर्न कंट्रीज में आप कुछ भी करते रहो, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आप थोड़े से बड़े हो जाओ, इवन इफ यू टेल योर पेरेंट्स के मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हो, तो ठीक है भाई, आप सेपरेट होके अपना खुद ना कुछ कुछ ना कुछ करो, गाड़ी साफ करना, वहाँ पर अखबार फेंकना, मॉल में काम करना स्कूल के बाद, ये सब कुछ ये माना जाता है कि आप ज़्यादा यू नो इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सेल्फ वर्थ आपकी डेवलप हो रही है। हमारे में पता चला कशिश को पेल नहीं लगे माँ बाप, है ना, इसलिए तेरे को पढ़ाया था, तेरे को बड़ा करा था, अखबार फेंकेगी बगल वालों के घर में, झाड़ू पोछा करने लग जा, है कि नहीं कशिश? इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल होता है ना, वो हमेशा जुड़ा रहता है, उसकी ज़िंदगी हमेशा जुड़ी रहती है। अब ये चार पता चीज़ें क्या हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स। बताओ मुझे ज़रा समझ में आया कि बेकार लगा, बताओ पक्का ये समझ गया ना डायग्राम, ये डीकोड करके तुम्हें कोई नहीं देगा, ये यहाँ से सीख लो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ऊपर बात करते हैं, वेस्टर्न कंटेक्स्ट में क्या होता है, बाउंड्री ना फिक्स होती है पर्सन की। बाउंड्री कैसे फिक्स होती है, आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, इंडिविजुअल और ग्रुप कभी एक दूसरे के मतलब टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में कशिश हमारी घिरी हुई है, कोई लिबर्टी नहीं है। घर में पेरेंट्स खून पी रहे हैं, स्कूल में टीचरें खून पी रही हैं, फ्रेंड्स यही डिसाइड नहीं हो पा रहे बेस्ट फ्रेंड कौन है, और अदर सिग्निफिकेंट पर्सन का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों कशिश, है ना। इंडियन व्यू जो होता है सेल्फ का, यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो बाउंड्री होती है वो शिफ्ट होती रहती है। यानी कि कभी किसी इंडिविजुअल को पेरेंट्स ज़्यादा प्यारे हैं, वो ज़्यादा सेल्फ सपोर्टिंग है, किसी को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, उसका स्ट्रेस वहाँ रिलीव होता है, किसी को दोस्तों के साथ टाइम बिताना है, या किसी को सिर्फ अपने रोल मॉडल्स को फॉलो करना है, ठीक है। दस हमारा जो सेल्फ होता है एक प्रकार से वो कॉस्मोस है, यानी कि यूनिवर्स है, जिसमें हम हर तरह से घिरे हुए हैं। देख रहे हो कशिश, घिरे हुए हैं हर तरीके से, प्लैनेट से, यू नो काइंड ऑफ अर्थ, सोलर सिस्टम है ना, उससे कंप्लीट तरीके से हम लोग मतलब घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल जो वेस्टर्न कंसेप्ट होता है, वहाँ पर इंडिविजुअल जो होता है वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करता है, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म यूज़ होता है, जो बाउंड्री होती है ना उसका एक टर्म यूज़ होता है, वेस्टर्न कंसेप्ट में क्लियर डाइकोटोमीज विजिबल होती है। डाइकोटोमीज क्या होता है, मतलब तुम्हारी लक्ष्मण रेखा कशिश और मेरी लक्ष्मण रेखा, तुम मेरी मतलब क्रॉस नहीं करोगे और मैं तुम्हारी क्रॉस नहीं करूंगा, यानी कि तुम अपनी ज़िंदगी देखो, मुझे अपनी ज़िंदगी देखने दो। अगर हम लोग वेस्ट में होते ना, और आप अगर मैं मतलब मान लो कि मैं आपका पेरेंट होता, या आप मेरे टीचर होते, या अदर सिग्निफिकेंट पर्सन होते, तो हमारे बीच में क्लियर डाइकोटोमी होती है, मतलब क्रिस्टल एंड क्लियर कट वे में कशिश मुझसे ये कहती है आप अपना देखो, मुझे अपना देखने दो। लेकिन इंडियन कल्चर में क्या है, ये डाइकोटोमी जो होती है ना वो बंधी रहती है। आपको जो भी पर्सन मतलब जिसके साथ भी ऑरा मैच करे, आपको कोई गाइड करे, कोई आपका लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हो, आपका जो भी कोई पर्सन खर्चा उठाने वाले जैसे माँ बाप हो, आपको पढ़ाई लिखाई की दिशा देने वाले टीचर्स हैं, कोई भी है मतलब, ये सारे के सारे लोग आपकी लाइफ में कोई डाइकोटोमी यानी कि लक्ष्मण रेखा या फिर बाउंड्री का काम नहीं करते हैं, बल्कि घिरे रहते हैं आपसे और आप इनसे घिरे रहते हो एक्चुअली। बताओ समझ में आ गया। तो यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर में जो सेल्फ होता है यानी कि जो पर्सन होता है और जो ग्रुप होता है, ये दोनों अलग अलग करके टू डिफरेंट एंटिटीज़ की तरह एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी क्रिस्टल क्लियर बाउंड्रीज होती है, ठीक है, वेस्टर्न कंसेप्ट के अंदर। लेकिन इंडियन कल्चर में क्या होता है, सेल्फ इज जनरली नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वन ओन ग्रुप, वो सेपरेट नहीं होता, आप चाहो भी तो अलग होना। अभी जैसे आप मान लो कि आप बड़े हो गए हो, आप कॉलेज वॉलेज करके आपकी जॉब लग जाए, आप कल को ये बोलो मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं अपना अलग घर बनवा रही हूँ, तो कशिश इतना आसान नहीं है चीज़ बोलना, है क्या, बिना शादी की वाली चीज़ बोलना इतना आसान है कि मैं आप घर छोड़ के जा रही हूँ या फिर वो करके। चलो सारी बातें छोड़ो, तुम अपने घर वालों को यही बोल दो कि मेरे लिए अगर आप मुझसे प्यार करते हो,
मेरे लिए पूरा एक सेपरेट फ्लोर बनवा दो और उस फ्लोर पे कभी कोई नहीं आएगा। ये भी बात छोड़ दो, आपका जो रूम है ना, आप उसमें बोल दो भाई रिश्तेदार आए चाहे घर में फंक्शन हो चाहे कुछ भी हो रहा, मेरे रूम में मुझसे पूछे बिना कोई एंट्री नहीं लेगा, मैं स्कूल जा रही हूँ कॉलेज जा रही हूँ तो उसको लॉक करके जाऊँगी और आऊँगी तो वो चाबी मेरे पास ही रहेगी। मम्मी इसको इसी उसी कमरे में बंद करके पेट्रोल डाल के आग लगा देगी, हो गया कमरा खाली, क्यों कशिश है ना। तो वेस्टर्न जो कल्चर्स होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, और जो इंडियन कल्चर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कलेक्टिविस्टिक कल्चर, बिकॉज यू लिव इन कलेक्टिविज्म। तो वेस्टर्न सोसाइटीज़ को बोला जाता है इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, जबकि एशियन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटीज़ को बोला जाता है कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी। समझ में आ गया होगा आई थिंक। और अब सेल्फ का हमारा पूरा कंसेप्ट कवर हो गया, अब बचा सिर्फ पर्सनैलिटी, ठीक है, और यही है चैप्टर का नाम ही यही है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, तो बस दूसरा कॉम्पोनेंट बचा है। थैंक यू वेरी मच।